guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. If you are new here, please take a moment to subscribe my channel and also press the bell icon because मैं अपने channel पे आपको बहुत सारी ऐसे trendy eye makeup सिखाती हूँ plus उसकी technique बताती हूँ कि आप कैसे इसे बिल्कुल easy way में create कर सकते हो. तो let's take a look how I create this brown smoky eye. आज मैं ब्रोक ले यूज करने वाली हूँ मेबलिन की जेल आईलाइनर. गाइस मैंने बहुत बारी पीएसी के बारे में बताया है, आज हम जेल लाइनर से ब्रो डिफाइन करेंगे. आप देख सकते हो मेरी जो ब्रो है वो थोड़ी डार्क है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का जेल लाइनर यूज कर रही हूँ. पूरा डायरेक्ट से प्रोडक्ट में डिप मत किया करो ब्रश अगर आप जेल लाइनर यूज कर रहे हो अपने ब्रो को डिफाइन करने के लिए. तो आप ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से जो उसके प्रोडक्ट लगे रहते हैं आप वहां से लो एंड उसी से ब्रो को हल्के हल्के डिफाइन करो. जब आप ब्रो के इनर में डिफाइन कर रहे होते हो तो आप ब्रो का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हेयर को ब्रश करोगे. अब मैं यहाँ कंसीलर यूज कर रही हूँ मेबलिन की इन द शेड आइवरी. आइवरी शेड इसलिए क्योंकि आपकी जो कलर्स आप जो भी यूज करोगे अपने आई शेडो के वो बिल्कुल पॉप होके दिखेंगे एंड अच्छे भी दिखते हैं. तो ऐसा जो भी कंसीलर आपके बहुत लाइटर शेड आपने ऑर्डर कर लिया, आपके वैनिटी पे है या यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप कंसीलर यूज कर सकते हो अपने आई मेकअप के लिए. मैंने अच्छे से ब्रोज का जो भी शेप था उसको फॉलो करते हुए लगाया है कंसीलर एंड अच्छे से ब्लेंड करूंगी. ब्लेंडिंग के बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ. बहुत लाइट अमाउंट में पाउडर लेना है एंड अच्छे से लॉक करना है ताकि क्रीज ना आए. अच्छे से लॉक करने के बाद मैंने यहाँ लिपस्टिक लिया है ब्राउन कलर की, क्योंकि हम ब्राउन स्मोकी आई बना रहे हैं तो मैं यहाँ ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली हूँ. ये जो पैलेट थी ये मार्स की पैलेट है, मैं टैग कर दूंगी. मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज करा है सबके लिंक टैग कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना. अब मैं इसको अच्छे से बिल्कुल जो मेरे लिड एरिया है बस वहीं पे एप्लीकेशन करनी है. ज्यादा आपको फैलाकर एप्लीकेशन नहीं करनी. आप देख सकते हो मैंने कैसे एप्लीकेशन करी है. अब मैं एक फ्लॉपी ब्रश की हेल्प से बस ब्लेंड कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने ब्रश में कोई भी पिगमेंट नहीं स्टिक किया था, बस डायरेक्ट से इसको ब्लेंड कर रही हूँ हल्का हल्का. एक पैलेट से लूंगी ये ब्राउन कलर की आई शेडो, इसको भी मैं लिंक कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना. अब इसको मैं अच्छे से इसके साथ ब्लेंड करूंगी, थोड़ा बफ करके ब्लेंड करना है. लाइक आपकी जो आप देख रहे हो जो लिपस्टिक की जो ऐसे लाइन बनी हुई है आपको वहीं पे ब्लेंड करना है. कलर्स को अच्छे से पूरा स्टिक करोगे आप लिड पे एंड उसको अच्छे अच्छे से ब्लेंड करोगे. धीरे धीरे ब्लेंडिंग करोगे क्योंकि स्मोकी आई बनाते टाइम ना यहाँ पे बिल्कुल मैट कलर्स यूज होते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट आराम आराम से करोगे तो ब्लेंड हो जाएगी. अब मैं कॉर्नर पे यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर की आई शेडो. ब्लैक मैंने काफी कम लिया है ब्रश में एंड मेरी जो आई कॉर्नर थी मैं वहीं पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ. उसको वहां से ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन तक ले जाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है. स्मोकी आई बनाते टाइम आपको ब्लेंडिंग पे काफी फोकस करना होगा क्योंकि हम यहाँ मैट कलर्स यूज करते तो ब्लेंडिंग करने में थोड़ी मुश्किल आती है. तो ऐसे ही आप अच्छे से ब्लेंड करोगे. अब मैं थोड़ा सा जो मेरी क्रीज थी जो ट्रांजिशन शेड में ले रही हूँ वो एक बिल्कुल लाइट ब्राउन के साथ थोड़ा उसको ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर ऊपर तक. इनर मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट कलर की आई शेडो. मैं इसकी भी पैलेट आपको लिंक में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना. मैंने लोअर लैश पे भी ब्राउन कलर की आई शेडो से थोड़ा थोड़ा स्मज करा है. अब मैं लाइनर विंग लाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप विंग भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे विंग नहीं दिखाऊंगी आपको. तो ऐसे मैंने बस नॉर्मल काजल लगाया है लिड को कवर करते हुए. कोल लगा रही हूँ अपर लैश एंड वाटर लाइन दोनों पे. अच्छे से कोल लगाने के बाद ब्रो बोन को डिफाइन करूंगी. ब्रो बोन को डिफाइन करने के लिए मैंने सिल्वर कलर का आई शेडो के पिगमेंट से ही किया है ब्रो बोन को डिफाइन. अब मैं मस्कारा लगाऊंगी एंड दिस इज माई एंड लुक गाइज. दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप. मैंने आपको बोला था ना गाइज मैं आपको बिल्कुल इजी टेक्निक में सिखाऊंगी सबको. अगर आपको मेरी टेक्निक अच्छी लगी तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए. होपफुली गाइज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ.